हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके एफआईआर में या दहेज के मुकदमे के एफआईआर में 498 ए के साथ 377 आईपीसी की धारा 377 अर्थात अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की भी धारा जुड़ी हुई है तो आपको क्या गलती कभी भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला काम तो आप ये समझिए कि किसी भी कीमत में अगर 377 आपके एफआईआर में जुड़ी है और मेडिकल में ये बात प्रूफ है कि 377 कारित किया गया है तो कभी भी भूल कर भी आप ऐसी गलती ना करें कि आपकी बेल सेम डे हो जाएगी। सबसे पहला उसका अच्छा कारण ये होता है कि आप हाई कोर्ट डायरेक्शन ले लें। ध्यान रखिए मैं कह के आ रहा हूं, अगर 377 प्रूफ्ड है अर्थात 377 मेडिकल में प्रूफ है कि भाई 377 हुआ है लड़की के साथ या पत्नी के साथ, तो उस कंडीशन में ये मान के चलिए कि आपको लोअर कोर्ट नहीं सेशन भी बेल नहीं देगी। जबकि ये धारा लोअर कोर्ट टेबल बाई मजिस्ट्रेट है फिर भी आपको बेल सेशन भी नहीं देगी अर्थात जिला जज भी आपकी जमानत खारिज कर देंगे। दूसरी कंडीशन, आपके जो एफआईआर में 377 ऐड है अगर उसमें मेडिकल नहीं है या अर्थात ये कह लीजिए मेडिकल हुआ ही नहीं लड़की का या फिर मेडिकल प्रूफ नहीं है कि भाई मेडिकल में कुछ आया नहीं जबरदस्ती 377 की बात कही गई है, तो ऐसी कंडीशन में भाई आप लोअर में बेल फाइल करेंगे लोअर रिजेक्ट कर देगा। आप ब्रह्म सिंह की रूलिंग अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं उसके बारे में सेम डे के बारे में एक अलग से वीडियो बना के रखा है या दहेज के मामले में जमानत की प्रोसेस में कई वीडियोस मैंने बना रखा है उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो आपको बताते चलें कि जब ब्रह्म सिंह की रूलिंग लगाते हुए आप सेशन में सेम डे अपीयर कराएंगे क्लाइंट को बेल के लिए आप सेम डे में जाएंगे तो वहां पे आपको एंटीसेपेटिक बेल मिल जाएगी, पति को एंटीसेपेटिक बेल मिल जाएगी। तो कहने का ये मतलब है कि साफ शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि अगर धारा 377 लगी है और मेडिकल में ये साबित हो रहा है कि धारा 377 सही लगी है, मेडिकल में प्रूफ है कि भाई 377 का कृत्य कारित किया गया है तो ऐसी कंडीशन में ये मान के चलिए कि आपको जेल जाना पड़ेगा। 20% उम्मीद रखिए कि सेशन अंतरिम बेल दे देगा, बाकी आप ये कोशिश ना करिए कि आपको बेल मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या बिना जेल जाए बेल हो जाएगी? हाँ, उसके लिए आप क्या करिए कि या तो चार्जशीट चैलेंज कर दीजिए। जैसे ही चार्जशीट फाइल होती है 482 में हाई कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दीजिए, चैलेंज कर दीजिए। अब उसमें निकल के आएगा भाई आप ग्राउंड देंगे, सबूत देंगे, अगर आपको लगता है कि मेरे पास एविडेंसेस हैं या ऑनरेबल हाई कोर्ट को लगता है कि भाई 377 इसमें जबरन लगाया गया है तो चार्जशीट चैलेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है या तो लोगों का नाम और कट जाएगा या धाराएं कुछ अगर नहीं उसमें गलत तरीके से लगाई गई हैं तो वो कट जाएंगी, इस तरह से आपको फायदा मिल जाएगा। दूसरी बात ये कि मान लेते हैं आपके पास पैसा नहीं है चार्जशीट चैलेंज करने का, तो चार्जशीट अगर नहीं चैलेंज करते हैं तो उस कंडीशन में ही आप बेल फाइल करिए जब आपके पास प्रूफ ना हो, ये कह लीजिए कि भाई मेडिकल में ये साबित नहीं हो रहा हो या मेडिकल में क्लियर नहीं पता चल रहा हो कि 377 का कृत्य जो है वो आप द्वारा कारित किया गया है या मेडिकल में लड़की के मेडिकल में बिल्कुल साबित नहीं हो रहा है कि 377 जैसा कोई कृत्य हुआ है। सिर्फ बयान से आप प्राकृतिक यौन संबंध बनाने से भाई ये थोड़ी हो जाएगा कि भाई यौन संबंध बनाया, लेकिन जब मेडिकल आपने कराया मेडिकल में कुछ आ नहीं रहा है, और मैं आपको बता दूं दहेज के साथ जो 377 लगता है 90% केसों में फर्जी ढंग से लगता है, उसमें 377 जैसी कोई बात नहीं है, 10% केसों में हाँ ठीक है कभी कभार, और 50% केसों में आपको बताते चलें
कि एफआईआर में लिखी होती 377 लेकिन चार्जशीट में काट दी जाती, क्योंकि न मेडिकल में प्रूफ होता है, न मेडिकल कोई कराता है, कोई पत्नी इस तरीके की वजह से 377 काट दिया जाता। और अगर 377 मान लीजिए है भी, तो 100 बात ये एक बात समझ लीजिए कि अगर मेडिकल प्रूफ है तो आप हाईकोर्ट डायरेक्शन लीजिए या फिर आप चार्जशीट चैलेंज करिए, दूसरा रास्ता। तीसरा रास्ता अगर आप अपनाएंगे सेम डे वाला, तो अगर कोर्ट को लगता है कि दे देनी चाहिए बेल, अंतरिम बेल, तो देगा, नहीं तो फिर रिजेक्ट हो जाएगी और आप जेल चले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर साबित नहीं है तो आप बेल फाइल करिए, आपकी बेल मंजूर हो जाएगी 100% श्योर, अगर 377 साबित नहीं है तो। तो मेरे ख्याल से आज 498 ए के साथ जुड़ी धारा 377 के बारे में आप समझ गए होंगे। एक बात और कि 377 रिजेक्ट क्यों कर देती है, क्योंकि इसमें मिनिमम 10 साल से मैक्सिमम आजीवन कारावास तक का जो दंड का प्रावधान प्लस जुर्माने का प्रावधान है, इसलिए 377 एक हीनियस क्राइम आता है, ये समझिए 376 से बढ़कर होता है। सेक्स तो अलग बात है, अप्राकृतिक यौन संबंध, भाई यौन संबंध में ही इतनी खतरनाक धारा 376 है, लेकिन अप्राकृतिक यौन संबंध तो मतलब आप समझ सकते हैं कि भाई क्या हो सकता है इसके। हालांकि बहुत ट्रिकी मामला नहीं होता है अगर आपके पास एविडेंस है तो। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब चैनल SP72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब।